तो नमस्ते है दोस्तों आप सभी का देखिए वेलकम है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी के बारे में सीआईपी के बारे में एक वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट किया आपने कि सर ये क्या नोटिस है हमें बताइए और कुछ ने तो प्रॉब्लम भी बता दी कि देखिए ओ नहीं आ रहा है भैया तो क्या करना होगा ठीक आइए बताते हैं पूरा जानकारी क्या है देखिए यह एक वैकेंसी है सी की ओर से और इसको वैकेंसी ना करके हम लोग बोलेंगे कोर्स है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकट्री कांके रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है पागलखाना जिसे आप लोग बोलते हैं ठीक है सीआईपी वहीं पे है आइए देखते हैं किस प्रकार की वैकेंसी है तो यहाँ पे बोला गया है एडमिशन टू द पोस्ट टू द पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और पी के लिए ये वैकेंसी है ठीक है अब आइए देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है आपका सेशन दो हज़ार है देखिए चार प्रकार की पोस्ट है सभी के लिए अलग अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है ग्रुप ए के लिए अलग है ग्रुप बी के लिए अलग है और ग्रुप सी के लिए अलग है ठीक है आइए एक एक करके सब के बारे में हम लोग जानते हैं तो पहला है हमारा ग्रुप ए यह है पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ठीक है यह आपका चार ये चार को सीट है ओनली फोर सीट्स है इसमें ड्यूरेशन है कोर्स का दो साल और इसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे पच्चीस हज़ार रुपये दिए जाएंगे पढ़ने के लिए अभी मैं सब एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा वीडियो एंड तक देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा और वीडियो को एंड तक नहीं देखिएगा तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको डाउट रह जाएंगी ठीक है इसलिए एंड तक देख लीजिए दस मिनट है बहुत अच्छी चीज़ है नॉलेज कुछ नहीं तो नॉलेज मिलेगा तो पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये है आपका पीएचडी और यहाँ से करवाया जाएगा मेंटल हॉस्पिटल कांके से चार को सीट है इसमें टू ईयर का प्रोग्राम है ठीक है और इसके लिए इस कोर्स को करने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए एम फिल एम फिल कहाँ से तो मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकोनाइज बाय द यूजीसी यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से वो होना चाहिए रजिस्टर्ड ठीक है इस पोस्ट के लिए और इस पोस्ट को करने के लिए आपको पच्चीस हज़ार रुपये पैसे भी दिए जाएंगे पर मंथ आपको पढ़ाया भी जाएगा और पच्चीस हजार रुपये पैसे भी दिए जाएंगे अब आता है ये ग्रुप ए की पोस्ट है ठीक है फिर आता है एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये भी आपका ग्रुप ए के अंतर्गत आता है इस कोर्स के लिए ट्वेंटी वन सीट है कितने सीट है इक्कीस गो सीट है इसमें जनरल के लिए नौ सीटें हैं अनरिजर्व ई के लिए एक सीट है ओ के लिए छः सीट है एस के लिए तीन है एस के लिए दो है और पी के लिए एक है इस कोर्स का ड्यूरेशन है दो साल दो साल का कोर्स है और क्वालिफिकेशन मांगा गया है एम या एम अगर आप एम भी किए हैं ठीक है सिंपली एम किए हैं साइकोलॉजी से मनोविज्ञान से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एम एम एस सी इन साइकोलॉजी कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकोनाइज बाय द यूजीसी जी सी विथ विथ मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स फॉर यू आर मतलब कि अगर आप जनरल से हैं तो पचपन परसेंट मार्क्स आपके एम ए या एम एस सी में आए होने चाहिए और अगर आप ई डब्ल्यू एस हैं तो आपके पचास परसेंट मार्क्स होने चाहिए ई डब्ल्यू एस एस टी एस सी एंड ओ बी सी के लिए ठीक है तो जनरली सभी का आ ही जाता है सिक्सटी प्लस मार्क्स आते हैं मेरे तो सेवनटी प्लस आए थे आप लोग कभी आए होंगे ज़रूर ठीक है तो इन दोनों को कोर्सों को करने के लिए आपको पच्चीस हज़ार रुपये सैलरी दिया जाएगा पोस्ट नंबर वन और पोस्ट नंबर टू के लिए अब आता है ग्रुप बी का पोस्ट यहाँ पे क्या बोला गया है सैलरी के बारे में ग्रुप ए एंड बी तो ग्रुप ए के पच्चीस हज़ार दिया जाएगा ग्रुप बी के पोस्ट ये इसको भी करने के लिए आपको पच्चीस हज़ार रुपये दिए जाएंगे पर मंथ और पढ़ाया भी दिया जाएगा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा दो साल तक एम फिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क में ठीक है एम फिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क ग्रुप बी की पोस्ट है इसमें पंद्रह सीट हैं टोटल जनरल के लिए छः सीट ए डब्ल्यू के लिए एक ओ के लिए पाँच एस के लिए दो एस के लिए वन और पी के लिए वन कोर्स दो साल का है क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें अप्लाई करने के लिए आप मास्टर्ड इन सोशल वर्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकोनाइज बाय यूजीसी जी विथ मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स फॉर यूआर एंड फिफ्टी परसेंट मार्क्स फॉर एस टी एंड ओबीसी ठीक है ये हो गया आपका पोस्ट नंबर बी इसके लिए भी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए आपको पच्चीस हजार रुपये मिलेंगे पढ़ाने पढ़ने के लिए पर मंथ एज अ आपका स्टाइपन या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं ठीक है अब आता है ग्रुप सी की पोस्ट यह है डिप्लोमा इन डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग ठीक है यह कोर्स आपका एक साल का है इसमें टोटल तेईस को सीट है ट्वेंटी थ्री सीट्स हैं जनरल के लिए दस ई के लिए दो ओ के लिए छः एस के लिए तीन एस के लिए दो और पी के लिए वन और इसमें अप्लाई करने के लिए आप होने चाहिए ए ग्रेड कौन सा ग्रेड ए ग्रेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ठीक है ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए अब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए ग्रुप ए एंड बी सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट्स ए स्कॉलरशिप फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ एंड ग्रुप सी यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको पच्चीस सौ रुपये दिए जाएंगे पर मंथ और बाकी तीनों के लिए पच्चीस हज़ार बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर जाता है ना तो क्या कीजिएगा ऐसा इन्होंने रखा है देखिए ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है इसका हिंदी में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैं आपको हिंदी का भी नोटिफिकेशन दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने वाले 90 परसेंट स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश से ही पढ़ाई किए होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है ठीक है इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी लोग अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ हिंदी का पढ़ लीजिएगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसके साथ ही इन जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर ग्रुप सी के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका भी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यार क्या हुआ ग्रुप सी उसके बाद आपका आता है ग्रुप सी मतलब कि ग्रुप बी और ग्रुप ए इन सभी के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है मैं वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा नोटिफिकेशन ठीक है और कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सभी के लिए अलग से नोटिफिकेशन है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे से रीड करेंगे ठीक है अब आगे पढ़ते हैं तो फॉर पी एच डी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी देअर सेल बी एन ऑनलाइन एंट्रेंस टेंस इस पोस्ट के लिए पी एच डी के लिए ठीक है और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए एम फिल के लिए एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा एक सौ मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे साठ मिनट आपको समय दिया जाएगा और बोला गया है कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और जब एग्जाम हो जाएगा एग्जाम में पास हो जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड प्रैक्टिस इन पर्सन द टेस्ट विल हैव क्वेश्चन ऑफ़ एम ए एम एस सी स्टैंडर्ड जो आपका क्वेश्चन होगा वह एम और एम एस सी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे द सेलेक्शन द सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू द कोर्स विल बी बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑफ इन एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल तो इन तीन बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा पहला है इंटरेन्स टेस्ट दूसरा है इंटरव्यू और तीसरा है प्रैक्टिकल ठीक है इन तीनों के आधार पर आपका पोस्ट नंबर वन यानी कि पीएचडी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है अब आता है पोस्ट नंबर बी फोर एम फिल में इसलिए बोला गया है कि दियर सेल भी उसी तरह से 100 मार्क्स का एग्जाम होगा एक घंटा समय होगा और जो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो बोला गया है आ, क्या बोला गया है कि दस ऑटलिशन कैंडिडेट सेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम होगा वो यहाँ पे नहीं दिया गया है कि स्टैंडर्ड कहाँ किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं बोला गया है ठीक है देयर सेल बी ऑन ऑनलाइन एंट्रेंस कंसिस्ट ऑफ वन हंड्रेड एम एंट सी क्यू टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर्ड वी सिक्सटी मिनट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रैक्टिकल द टेस्ट विल क्वेश्चन ऑफ एम एस डब्ल्यू एस्टैंड यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो एम एस डब्ल्यू स्टैंडर्ड का होगा द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू द कोर्स विल भी बेस्ट ऑफ टोटल मार्क आपका जो सिलेक्शन होगा वहाँ पर बोला गया है कि बेस्ट होगा टोटल मार्क ऑप्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल वही सेम प्रोसेस है जो ग्रुप ए के लिए है फिर बोला गया है आपके तीसरे पोस्ट डिप्लोमा इन साइक साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स के लिए इसमें क्या बोला गया है तो इसमें बोला गया है कि देयर विल नो देयर विल नॉट बी एनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिप्लोमा के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा ठीक है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हाउएवर देयर विल बी एन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सन एट सी आई पी रांची आपका केवल इंटरव्यू होगा पोस्ट सी के लिए ठीक है जिसमें पच्चीस सौ रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे इसके लिए केवल इंटरव्यू होगा आपका सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सन एट सी आई पी रांची आपका इंटरव्यू होगा केवल ठीक है आगे बोला गया है नोट में कि नोट फॉर पी एच डी कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एम फिल आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें बता दी गई मैं अब जल्दी से कर देता हूँ वीडियो को एंड और पढ़ लीजिएगा सारा कुछ अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट के लिए तो मैं बोलता हूँ ब्लीच अप्लाई कीजिए ठीक है इस चीज़ों पे ऐसे वैकेंसी पे बहुत कम ही लोग अप्लाई कर पाते हैं और देख रहे हैं ना एक सौ वैकेंसी ना नाइन्टी थ्री पोस्ट थे वार्ड अटेंडेंट के और अभी मात्र छः सौ अट्ठाईस कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं आप ऑब्वियसली बात है कि आप सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं होता है ठीक है तो वही तो वैकेंसी ले जाएगा जो अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छे से एग्ज़ाम में बैठ चुका है चार पाँच बार चाहे जो अच्छे से एग्ज़ाम से प्रिपरेशन कर रहा है उसी की वैकेंसी होगी ठीक है देखिए अब अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक हज़ार रुपये लगेंगे अगर आप जनरल और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से हैं अगर आप एस टी एस सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं तो आपको पाँच सौ लगेंगे किसी भी पोस्ट के अप्लाई करने के लिए ठीक है और लास्ट डेट है आपका कब तक है तो आपका लास्ट डेट है थर्टी इक्तीस दिसंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे क्या बोला गया है फॉर्म के बारे में बोला गया है प्रॉपर फुल एप्लीकेशन सुटेबल कहा गया जी द एडमिट कार्ड भी का डेट दे दिया गया है सब कुछ पढ़ लेना है आपको खुद से लास्ट डेट मैं बता दे रहा हूँ आपका इकतीस दिसंबर है द एडमिट कार्ड एंड अ कवर लेटर हैविंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द सी आई पी वेबसाइट आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन दिया जाएगा ट्वेंटी जनवरी और यह आपका बीस जनवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा ये भी बोल दिया गया है देखिए इन्होंने जो भी बातें बोली क्लियरली बोल दी हैं ठीक है और आगे बोल दिया गया कि रिटर्न एग्जाम सब का डेट दे दिया गया है कि अब एग्ज़ाम जो होगा वह तेरह से पंद्रह मार्च के बीच में होगा और यहाँ पे आगे फिर है उन्नीस फरवरी को एक एग्ज़ाम एक होगा इंटरव्यू होगा उन्नीस फरवरी दो को ठीक है तो सबको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है उतना तो मैं जितना भी समय बचता है मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि कुछ भी अच्छा हो जाए तो चलिए और वही है अब मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको यहाँ पे देखिए बोला गया है लास्ट डेट को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर लास्ट डेट हो मैंने पढ़ा था एम एम एस सी चलिए मैं दिखा देता हूँ अब जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको तो एक मिनट रुकिएगा लाइन पर है तो ये रहा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ये है ग्रुप सी के लिए ठीक है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्स ठीक है 2023 स्ट्रीम सी डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा ये देखिए यहाँ पर लास्ट डेट लिखा गया है कहाँ पर गया इम्पोटेंट डेट्स तो सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो होगा ऑन बिफोर फिफ्टीनथ में सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन ये देखिए इकतीस दिसंबर दो हज़ार बाईस ये आपका लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का बाकी सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा ये ग्रुप सी के लिए है ठीक है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है अब मैं दिखाऊंगा ग्रुप बी का नोटिफिकेशन तो चलिए ग्रुप बी का देखते हैं तो ये देखिए ग्रुप बी का नोटिफिकेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 ये देखिए स्ट्रीम बी एम लिखा गया है साइकेट्रिक सोशल वर्क ठीक है इसको पूरा पढ़ना है पूरा रीड करना है और सभी के लिए लास्ट डेट सेम है वही इकतीस दिसंबर दो सभी फॉर्म के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने का है अप्लाई कहाँ से कीजिएगा वो भी मैं बता दूंगा क्योंकि अगर आप जनरल अप्लाई करने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा इसका लिंक कहीं पे इसके मैं आपको सीआईपी के साइट पे ही ये आपको अप्लाई करना होगा मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप चाहे तो वहाँ से भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं अब दिखाता हूँ मैं आगे का नोटिफिकेशन तो ये देखिए ये है ग्रुप ए का नोटिफिकेशन स्ट्रीम ग्रुप ए इसमें दो प्रकार के पोस्ट हैं पीएचडी और एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एम इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ठीक है और इसका भी नोटिफिकेशन पूरे अच्छे से रीड करना है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका नोटिफिकेशन पूरे अच्छे से रीड करना है एंड फाइनल जो नोटिफिकेशन है उसको हिंदी और इंग्लिश में जारी किया गया है जिसको अभी हम मैंने पढ़ रहा था ठीक है अब दिखाऊंगा मैं उसका हिंदी नोटिफिकेशन तो ये देखिए इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन जो मैं अभी पढ़ रहा था ये फाइनल नोटिफिकेशन को हर किसी को पढ़ना है ठीक है अब दिखा रहा हूँ मैं इसका हिंदी नोटिफिकेशन तो ये देखिए इसका हिंदी नोटिफिकेशन है भारत सरकार केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान कांके रांची वही चीज़ जो मैं अभी पढ़ रहा था पूरा डिटेल में पढ़ा थोड़ा सा वही चीज़ है ठीक है देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पच्चीस हज़ार रुपये मिलेंगे ग्रुप ए और बी के लिए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में और आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी ग्रुप सी के लिए पच्चीस सौ रुपये ठीक है तो ये था नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ अब दिखा रहा हूँ अप्लाई करने का लिंक देखिएगा तो ये है अप्लाई करने का लिंक ठीक है आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्लिक करना होगा और डायरेक्ट आप लोग साइट पे चल जाएंगे डाटा ऑन कीजिएगा और इस क्लिंक इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग साइट पे चल जाइएगा यहाँ पे लिखा है देख लीजिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस एकेडमिक कोर्स एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक फॉर सेसन दो ठीक है और यहाँ पे लिखा गया है एडवरटाइजमेंट संख्या का नाम यहाँ पे डेट दिया गया है नॉट द लिंक सेल बी अवेलेबल फ्रॉम यहाँ पे दिया गया है कि एक दिसंबर 2012 से लेकर के आपका 31 दिसंबर 2000 सॉरी 2012 बोल रहा हूँ यार 2012 तक 2022 तक अवेलेबल रहेगा ठीक है थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2022 टू तक अवेलेबल रहेगा लिंक और आपको अप्लाई इस लिंक से करना है इस लिंक का जो है इसका लिंक मैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता क्योंकि ये देना गैर कानूनी है इसको अप्लाई करने के लिए अब आपको क्या करना होगा तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आपको यह लिंक मिलेगा तो देखिए इस लिंक को आप चाहे तो फॉर्म को अप्लाई मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने पी यानी कि लैपटॉप से भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं बता देता हूँ देखिए ये आपका कुछ इस टाइप से होगा लैपटॉप या मोबाइल तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा सी आई पी रांची क्या सर्च मारिएगा सी आई पी रांची ठीक है ये चीज़ सर्च मारना है तो चलिए मैं सर्च मार लेता हूँ सी आई पी रांची ये लिख के केवल सर्च मारना है ठीक है ये लिख के आप जैसे ही सर्च मारेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं होम पेज पे अब उठाना होगा इसको ऊपर स्क्रॉल करना होगा यहाँ पे देखिए एक नोटिस का आ रहा है ये जो है इस पर क्लिक करना है देखिए हाँ इसी पे ये लिंक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर पी एच डी एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एम फिल पी एस डब्ल्यू एंड डी पी एन कोर्स 2023 इसी पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पी डी एफ खोलने का ऑप्शन देगा आप कोई भी पी डी एफ खोलने का ऑप्शन खोल लीजिएगा अब देखिए ये लिंक आ गया अब यहाँ पे क्या करना है इस पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे खुल जाएगा आपका क्रोम और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने बोलेगा यहाँ पे मोर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा ठीक है फिर रजिस्टर करना होगा आपको यहाँ पे रजिस्टर नाव पे क्लिक करना होगा रजिस्टर नाव पे क्लिक करेंगे आपको सारा कुछ फिल करना होगा अपना जितने भी चीज़ें हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह देखिए मैं सब कुछ मोबाइल से ही करके दिखा दे रहा हूँ मेल है फीमेल है या कोई अदर जेंडर है वो जेंडर फिर आपका कैटेगरी वगैरह सारा कुछ मोबाइल से ही हो जाएगा अगर आपके पास पीसी नहीं है तो उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा ठीक है फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा सेकंड उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा एंड एंड में आएगा आपका पेमेंट वो पेमेंट भी कर लीजिएगा एंड फाइनली आपको प्रिंट आउट का एक ऑप्शन देगा ठीक है वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आपका फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एंड वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है लगभग बीस मिनट का वीडियो है लंबा एंड अगर आपका कोई दोस्त हो प्लीज़ उन तक भी शेयर कीजिएगा ठीक है थैंक यू